सो हाय फ्रेंड, दिस इज आर्यन एंड द चैनल इज ऑल इन वन। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कानपुर में एक बेस्ट स्टिकर शॉप पे। ये स्टिकर शॉप एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको हर टाइप के स्टिकर्स मिल जाएंगे, व्रैप हो जाएगा, विनाइल व्रैप हो जाएगा और पोस्टर्स भी बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सो लेट्स गो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं घर से और चलते हैं हम लोग बकर मंडी की ओर और करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बकर मंडी। हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं बजरिया थाना है और इसके जस्ट सामने है अपनी शॉप जहाँ पे बेस्ट स्टिकर शॉप है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं भैया की दुकान पे। भैया हमको लेके चलेंगे अपनी दुकान की तरफ और दिखाएंगे अपना सारा काम। चलिए भैया चलते हैं अंदर। आइए पहला तो भाई, ये दुकान का नाम मेरी स्टैंडर्ड ग्राफिक, स्टैंडर्ड ग्राफिक है भैया का नाम का। भैया का ये देखिए फोन नंबर लिखा हुआ है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं आगे। किसी भी टाइप की कीरिंग या फिर किसी भी टाइप का फोटो से लेकर अपने पास सारा काम होता है। ये भैया कौन है? ये है हमारे ओसामा भाई, ये यहाँ के डिजाइनर हैं। और किसी भी टाइप का स्टिकर इनसे डिजाइनिंग करवा लीजिए आप। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मशीन है प्रिंट एंड कट, जो कानपुर में सिंगल पीस है। सो भैया की दुकान ये है। भैया अब हमको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है, ए टू जेड सारा काम भैया बता दो एक बार, क्या क्या होता है आपके पास? भाई हमारे यहाँ जैसे फैंसी नंबर प्लेट, कैसी भी किसी भी टाइप की नंबर प्लेट हो, नेम प्लेट हो, किसी भी टाइप का स्टिकर हो, किसी भी टाइप के सब अपने पास हो जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ भैया के पास कितने टाइप के रैप्स रखे हुए हैं। ये वैप रैप होता है, बहुत सारे लोग इसको स्टिकर भी कहते हैं, बहुत लोग इसको विनाइल भी कहते हैं, बहुत से लोग रेडियम भी बोलते हैं, रेडियम भी कहते हैं। तो भैया एक दो अच्छे अच्छे निकाल के दिखा दो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ये आर्मी रैप चलती है, ये पूरी गाड़ी में कवर होता है इसी से। एक ये हो गया जैसे। भैया इसका क्या प्राइस पड़ता है? इसका प्राइस भाई 1500 रुपए से स्टार्ट है। मतलब गाड़ी के ऊपर डिपेंड, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बुलेट हो गई, बुलेट का 1500 रुपए से स्टार्टिंग है। ऑरेंज ये मैट रेड है, मैट रेड जी, मैट रेड, मैट रेड हो गई। और जैसे मैट ब्लैक हो गई, मैट ब्लैक। अच्छा भाई, जैसे मान लो आपके पास कोई कलर ना हो, जैसे कोई कह दे कोई अलग सब कलर आ जाता ऑर्डर पे, आ जाता है ना ऑर्डर पे, सब आ जाता, कोई भी कैसा भी कुछ भी हो सब आ जाएगा। ये कौन सा कलर भैया? ये ब्लैक शाइन है, ग्लॉस ब्लू। जैसे ये कार्बन फाइबर हो गया, कार्बन फाइबर है ये पूरी पूरी गाड़ियों में होता है। भैया आपने भी हेलमेट भी किया था, जरा दिखाओ। देखिए ये भैया का काम है, आप देख पा रहे होंगे। ये कौन सा कलर है भैया? कार्बन फाइबर। क्या पड़ता है ये? ये पड़ता है हेलमेट पे, पड़ता है 300 रुपए का। जैसे कि भाई आप लोग नई गाड़ी लाते हैं, नई बुलेट लाते हैं, उसे स्क्रैच से बचाने के लिए लेमिनेशन होता है। और जैसे ये है मैट लेमिनेशन, इसे बोलते हैं मैट जी, मैट लेमिनेशन मतलब वो मैट ब्लैक जो आ रही, मैट ब्लैक आ रही, उस पर उसकी मैटनेस ना खत्म होने के लिए ये होता है। ये कौन सा कलर है? पैरेट ग्रीन। क्या प्राइस पड़ेगा? ये पड़ेगा 3000 रुपए का, 3000 रुपए पूरी गाड़ी। बाकी ये वैसे छोटा मोटा, हाँ वो भी टचिंग भी हो जाती है। हाँ, उसका रेट वो एरिया के हिसाब से होता है। हाँ, जैसा क्या कितना करवाना चाहते हैं? फिर भी समथिंग ये मान लीजिए एक स्क्वायर फीट में लगता है जाकर 200 रुपए का। शाइन ये वाइजर में लगती है, वाइजर वाला है, गाड़ी में लगवा देते, पूरी पूरी गाड़ियों में भी रैप हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले आपने अभी देखा होगा स्टिकर के बारे में, भैया आपको दिखाएंगे क्या नंबर प्लेट, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट भैया दिखाओ जरा, नंबर प्लेट। जैसे कि ये नंबर प्लेट है 4D, इसको बोलते हैं 4D नंबर प्लेट, 4D नंबर प्लेट। थोड़ा पीछे सब कुछ उभरा हुआ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। हाँ। एक बार बनने के बाद ना ही नंबर गिरेंगे ना ही उखड़ेंगे। हाँ। एक बार लग गए तो बस
वैरायटी दिखा दो नंबर प्लेट की। जैसे ये होगी 4D और ये वाली होगी लाइट वाली प्लेट, इसमें सिर्फ लाइटर जलते हैं, सिर्फ लाइटर। इसमें आप कोई भी बेस करा सकते हैं, किसी भी कलर का लाइटर करा सकते हैं, किसी भी कलर का बॉर्डर करा सकते हैं। और इसके बाद ये जैसे कार की 4D हो गई और ये फिर बाइक की 4D आ गई। यहाँ पर किसी कार मतलब सबके लिए, सबके लिए नंबर प्लेट बन जाएगा, किसी भी तरीके का INDI लोगो या फिर इसको पैच वाली प्लेट बोलते हैं। पैचेस जी, पैचेस प्लेट। पास ये पैच वाली है जी। इस क्या पड़ता है, प्राइस तो बता दो। हाँ, इसका प्राइस 1000 रुपये। 1000 रुपये कार के लिए, दोनों आगे पीछे? आगे पीछे दोनों 1000 रुपये। और ये बाइक की पड़ती है आगे पीछे 500 रुपये की। 500 रुपये की बाइक की, बाइक। और ये लाइट वाली पड़ती है 1500 रुपये की आगे पीछे की। और ये पैच वाली पड़ती है 700 रुपये की आगे पीछे की। अच्छा, 700 रुपये। हाँ जी। और जैसे ये बुलेट शेप में है, रॉयल इनफील्ड वालों के लिए क्या पड़ेगा? ये तो ये पड़ेगी 600 रुपये। मतलब लोग आके अपने हिसाब से भी कुछ अपने हिसाब से कुछ भी बनवा सकते हैं। जो यहाँ पर लेकर आएंगे आप लोग, यहाँ पर सब कुछ बन जाएगा, ये समझिए। भैया आपकी जरा मशीन दिखा दो जो बता मशीन रहे हम दिखाते हैं जिससे हम लोग ये प्लेट बनाते हैं। ये रही लेजर मशीन, ये भैया ने अभी यहाँ पे एक कमेंट दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक लेटर था, इसी टाइप से किसी का भी नाम या फिर जो बाइक में स्टिकर लगे होते हैं, पल्सर या फिर डिस्कवर उभरा हुआ, सब अपने पास सब कुछ बन जाएगा। मतलब भैया ये वाली कौन सी मशीन है? ये भाई प्लॉटर मशीन है, स्टिकर को कटिंग करती है इसको। जैसे यहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप का स्टिकर नेट से निकाल सकते हैं या फिर आप कोई भी फाइल दे सकते हैं मुझे, तो मैं जैसे ये रहा स्टिकर, कोई भी किसी भी तरीके का स्टिकर सेलेक्ट करके इस पे यहाँ से कमांड देते हैं। हाँ। और यहाँ से कमांड देने के बाद मशीन यहाँ पर वर्क करना चालू कर देती है अपना। फिर इसके बाद अब यहाँ पर एग्जांपल दिखा दे रहा। कटिंग हो चुकी है यहाँ पर जैसा कि, इसके बाद ये मैंने इधर से निकाला। ये देखिए, ये रॉयल इनफील्ड के साइड पैनल में लगने हैं स्टिकर। ये वाइट कलर में है। हाँ भैया, ये कटआउट आ गया भैया। क्या प्राइस पड़ता है ये? 200 रुपये में से कटआउट। वैसे आप ये आपको विजिबल हो रहा है? हाँ, अब आपको ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का है ये। भैया ये क्या है? जैसा कि अभी आप लोगों ने वो मशीन देखी थी लेजर मशीन, उसी का एग्जांपल है ये। जैसे ये नेम प्लेट है, ये सब उभरे हुए लेटर में है। किसी भी कलर का 3D लेटर, किसी भी कलर का आप इस पे मैटर लिखवा सकते हैं, किसी भी कलर का आप बेस दे सकते हैं। भैया आप बता रहे थे कोई आपके पास प्रिंटिंग मशीन भी है? हाँ, प्रिंटिंग मशीन ये रही। किसी भी टाइप की आपको फोटो या इमेजेस कुछ भी आपको देना हो स्टिकर टाइप में या फिर कहीं पर लगाने के लिए, आप हमको दे सकते हैं और आप देख सकते हैं किस टाइप का प्रिंट आता है। तो ये भैया फोटो आपने पहले नेट से निकाली? ये पहले नेट से निकाली, फिर आप यहाँ उसके बाद जैसे आप जैसे भी फोटो आप चाहेंगे नेट से, वो सब वहाँ पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, जो अब आप जो स्क्रीन पे जो कुछ फ़ोटोज़ या भी कुछ वीडियोस जो देखेंगे, ये मुझको उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, क्योंकि ये उनका कुछ वर्क है जो उन्होंने खुद किया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पहले R15 कैसी थी और अब कैसी है, ये हीरो की करिश्मा कैसी थी और अब कैसे हो गई, और ऐसे ही आप आगे भी देखेंगे।
भैया थैंक यू, आपने अपनी दुकान की वीडियो बनानी थी। भैया हमको पहले ये बताओ, आपके यहाँ कोई आएगा तो कैसे आएगा, कुछ एड्रेस बताओ। एड्रेस हमारा ये बजरिया थाना, आप लोगों ने देखा ही होगा, दबंग 2 की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। बजरिया थाने के जस्ट सामने हमारा स्टैंडर्ड ग्राफिक्स का बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर एक गली है, बस थोड़ी दूर पर। मतलब आप उस गली में अंदर घुसेंगे आपको भैया की बहुत बड़ी दुकान मिल जाएगी, एक एक स्टिकर दिखेगा, सबको दिखेगा। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लोकेशन दे दिया है, फोन नंबर दे दिया है, कार्ड स्क्रीन पे आ गया है। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं घर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी मन में कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लोकेशन और फोन नंबर दे दिया है, और आप भी चाहें तो हमको कोई आइडिया दे सकते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस कवर करूं, और आप भी कुछ यूनिक शॉप्स जानते हैं कानपुर में या कुछ आसपास तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए, और मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।